बदलापुर चिमकल या विद्यार्थ्यांवर बलात्कार प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा. शरदचंद्र पवार भिवंडी शहर जिल्हा दिनांक 21 ऑगस्ट 2024 रोजी महिला अध्यक्षा स्वाती कांबळे यांच्या नेतृत्वात बदलापूर चिमकल्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणाचा निषेध व्यक्त करून भिवंडी प्रांत उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली की महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस बलात्कार, महिला व बालक अत्याचार प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सत्तेत बसलेले लोक मसाचा राजकारण करून महिलांना लाडकी बहीण योजनेचे 1500 रुपये देत आहेत, परंतु महिला व बालक सुरक्षाकडे त्याचे लक्ष नाही. बलात्कार प्रकरणात पोलीस व संस्था चालक यांच्यावर कारवाई करण्यात आली, परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी उचलून राजीनामा का दिला नाही असा जाव विचारण्यात आला आहे. महिला व बालकांना 1500 रुपये नको तर सुरक्षा हवी आहे. महिला व बालक आज कामाच्या व शाळेच्या ठिकाणी सुरक्षित नाहीत, याला जबाबदार व जिम्मेदार कोण? त्यामुळे राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार भिवंडी शहर जिल्हाद्वारे व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. या प्रसंगी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ता मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सबसे पहले बदलापुर में जो निंदनीय माननीय जो कृत्य हुआ है, जो 3 और 4 साल की बच्चों पे 13 अगस्त को जो बलात्कार हुआ है, उसका हम निषेध व्यक्त करते हैं. देखा जाए तो महाराष्ट्र में दिन ब दिन बलात्कार की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही है. हमारी माँ बहनें असुरक्षित है. बदलापुर की घटनाकांड में पुलिस ने FIR दर्ज करने में काफ़ी लंबा टाइम लगाया, बहुत दिन लगाए. उसी के साथ जो स्कूल प्रशासन था उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, तो पुलिसों के ऊपर कार्रवाई हुई, स्कूल के संस्थापक के ऊपर कार्रवाई हुई. तो इस महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, या महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने अपनी नैतिक जवाबदारी इस प्रकरण को लेकर स्वीकार कर इन्होंने अपना इस्तीफा देना चाहिए. ऐसा ही पत्र हमने आज प्रांत कार्यालय के मार्फत उपमुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजा है कि महाराष्ट्र में ये जो रेप के कांड है, महिला अत्याचार के जो कांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपनी इन सब को लेकर अपनी नैतिक जवाबदारी स्वीकारें और अपने पद को अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो आप इस्तीफा दें, क्योंकि आप लोग महिलाओं को 1500 रुपये देकर जो वोट की जो राजनीति कर रहे हैं, मगर महिला सुरक्षा के ऊपर इनका ध्यान नहीं है. तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी से यही कहूँगी कि देवा भाई, हमको तुम्हारा 1500 रुपया नहीं चाहिए, हमको हमारे बच्चों की सुरक्षितता चाहिए. हम आज अगर बाहर घूम रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि पुलिस है, कायदा कानून है, हमारे देश के जो हमने चुन के दिए हुए नेता लोग हैं ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं, मगर अभी पिक्चर बदल गई है, कोई हिफाजत नहीं कर रहा है. बदलापुर के कांड ने ये दिखा दिया है कि अब बहुत हुआ मेनबत्ती जलाना, अब हमको हम अब रोड पे उतरेंगे और इन नेताओं को ही जलाने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो कांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं ये कम हो. मैडम, क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये दिन पे दिन ये मामला और छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो है कानून की नाकामियाँ हैं और हमारा डिपार्टमेंट जो है इन पर सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो गृह खाता है ये हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग योजनाओं में ये बिजी है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, मगर देश की सुरक्षितता और शांतता पे इन लोग का कोई भी ख्याल नहीं है. कानून में जो ये रेप के जो कानून है इनमें और सख्ती बरतनी चाहिए.